स्पाइसी वंस। अगर आप देख रहे हैं जो आज हम वास लेकर आए हैं, सैम ने उसको भी हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का दिन स्पेशल क्यों है, क्योंकि आज पावर आउटेज है फिर से, एंड आज हम छुट्टी लेने की बजाय आज हम जा रहे हैं ऑफिस। तो आज हम पहली बार अपने ऑफिस से काम करेंगे। चलिए आपको भी लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस दिखाऊंगी क्योंकि वहां पर अच्छा नहीं लगता ना मैं ऐसे फोन पकड़ के व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आइए जल्दी चलें। और अभी हम गुजर रहे हैं वैंकूवर पब्लिक लाइब्रेरी के सामने से। आज तक हम अंदर नहीं गए, बट इसका आर्किटेक्चर तो बड़ा मैसिव लग रहा है। हमने सोचा जल्दी से कॉफ़ी पकड़ते हैं और फिर कुछ खाने का लेंगे और फिर जाएंगे अपने ऑफिस वापसी। A few moments later. और अब शाम के 5 बज चुके हैं और जल्दी से सैम के पास चलते हैं। सैम और मैं अब फाइनली आ गए हैं होम सेंस और यहाँ से थोड़ी शॉपिंग करते हैं क्योंकि आज यहाँ पे है क्लियरेंस सेल। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो फ्रेंड्स, ऑफिस से घर जाते जाते हम चले गए होम सेंस और हमने आज वहाँ से एक वास ले लिया है। तो अब हम थोड़ा वॉक करके घर जाएंगे क्योंकि बस में वास को लेकर जाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। चलिए जल्दी घर चलते हैं, लाइट आ गई होगी होपफुली। और फ्रेंड्स वो देखो, क्योंकि अभी चाइनीज लूनर ईयर गया है तो यहाँ पर कैसी डेकोरेशन हो रखी है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीट। अरे ये क्या पड़ रहा है पूजा? मेरा टेबल आ गया सिटिंग स्टैंड वाला। फाइनली अब मैं खड़े होकर काम कर सकती हूँ। मैं तो थक गई भाई साहब। मारी मारी मैं हेल्प करूँ। ड्रैग कर लो ना, उठाओ मत। तो फाइनली मेरा सिटिंग स्टैंड डेस्क आ चुका है फ्रेंड्स, लाइट कलर व्हाइट। और अब हम करेंगे इसकी असेंबलिंग। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ये मोस्ट वांटेड हुंडा आज सामने बनाई है मैगी और साथ में हम पी रहे हैं ड्रिंक्स। ये मेरी है पिना कोलाडा और सैम की है नॉर्मल स्प्राइट। लुक एट दिस। और अब हम देखेंगे टीवी पे कुछ। One hour later. So, हमने ये एक सेट स्टैंड टेबल ऑर्डर किया था। मेरे पास ये पेन था पर पूजा के पास नहीं था, तो अभी पूजा के लिए ऑर्डर किया है। पहले पूजा को लगता था कि उससे खड़े होकर काम नहीं होगा और अब उसे बैकेट की प्रॉब्लम होने लगी है, इसलिए अब वो कह रही कि अब मैं खड़े होकर काम भी कर दूंगी। बड़ी लव द वे यू लाई। इसलिए हमने ये एक और ऑर्डर किया है सेम एग्जैक्ट, पर इसका इंस्टॉलेशन में टाइम थोड़ा लगेगा, तो आपको दिखाते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद में भी। आपको वैसे याद है आपने अपना असेंबल किया था, तो कोई याद है कि अभी आपको देखना पड़ रहा है? याद क्यों नहीं है, पेपर मैं किसी ने याद करता कौन सा रखता है। तो अगर आपका भी हमारी तरह सेटिंग की जॉब है और आपको भी 8-10 घंटे बैठना होता है तो ये हाईली रिकमेंड है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, ये कंट्रोलर लग जाएगा आपके टेबल के बेस के साथ और आप इस पर बटन दबा के आप अपने टेबल की हाइट एडजस्ट कर सकते हैं।
तो आप चाहो तो बैठ के काम कर सकते हो, आप चाहो तो बीच में मीटिंग्स ले ली तो आप खड़े होकर भी ले सकते हो। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट रह गया जो कि है इस शाफ्ट के अलाइनमेंट करना, क्योंकि ये शाफ्ट इसके पिलर्स को ऊपर नीचे मूव करती है और मोटर एक साइड है, तो ये शाफ्ट अगर टेढ़ी होगी तो मोटर पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो बस इसी का मेक श्योर कर रहा हूँ कि ये सीधी हो। And finally, मेरा सिट एंड स्टैंड डेस्क बनके रेडी हो चुका है। और सैम, आप डेमो देना चाहेंगे? मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। तो इसमें ये ऑप्शंस हैं, अप डाउन और कुछ मेमोरी ऑप्शंस। तो तो फ्रेंड्स, मेरा सिट एंड स्टैंड टेबल असेंबल करने का प्रोजेक्ट एक खाली प्रोजेक्ट नहीं था। अगर आप देख रहे हैं जो आज हम वास लेकर आए हैं, सैम ने उसको भी डेकोरेट कर दिया है। हम ये स्टिक्स पहले ही ले आए थे एंड ये लाइट सैम ने उस पर लगाई हैं। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। लुक एट दिस ब्यूटी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।